आज की मेरी रेसिपी चिकन तंदूरी मैक्रोनीस। तो इसके लिए मैंने ये 2 कप से थोड़ा ऊपर मैक्रोनीस बॉईल कर लिया था और ये मैंने सिरका डाल के बॉईल किया था ताकि ये अलग अलग हो जाए। इसको ज़रा काफ़ी देर हो गई, इस वजह से हो गया इस तरह से। 2 कप से थोड़ा ऊपर मैक्रोनीस चाहिए। और ये मैंने बोनलेस चिकन ले ली थी 1 पाव। इसको मैंने मसाला लगाया, तंदूरी चिकन मसाला लगाया और फिर ऑयल में 3 टेबल स्पून ऑयल में मैंने इसको अदरक लहसुन पेस्ट डाल के जो मैंने मसाला लगाया था तंदूरी चिकन का उसमें पका लिया चिकन को अच्छे से फ्राई पैन में। सिर्फ मसाले में पकेगा ये। यह हल्का सा आप थोड़ा सा पानी डाल दें तो उसमें ये अच्छी खासी पक गई थी। और फिर इसके मैंने ये इस तरह से बूटियाँ कर ली छोटी छोटी। लहसुन की 4 चमे हैं ये, मैंने काट कर लिए हैं ये। और ये वो है कनों का क्यूब है, चिकन क्यूब है, इसको मैंने हवन दस्ते में कर लिया है। दखनी मिर्च पाउडर है ये, लहसुन पाउडर है, अदरक पाउडर है, पिसी काली मिर्च है, कुटी काली मिर्च है, बंद गोभी है 1 पाव से ऊपर है ये। और ये सोया सॉस है, चिली सॉस है और ये सिरका है। तो करते हैं हम मैक्रोनीस की तैयारी चिकन तंदूरी। ये सबसे पहले हम इसमें लहसुन डालेंगे और इसको अच्छे से सौते करेंगे कि इसकी अच्छे से खुशबू आ जाए। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस इतना करना है कि अच्छे से इसकी खुशबू आ जाए। तो ये सौते हो जाएगा, फिर हम इसमें चिकन क्यूब को डालेंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, इसमें हमें ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल कोई प्रोसीजर करना होगा, ऐसा नहीं है। यंग लोगों के लिए बहुत आसान है कि जो लड़कियाँ नया नया बनाना शुरू करती हैं तो रेसिपी को ट्राई करेगा और मुझे कमेंट्स में बताएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। लहसुन हमारा सौते हो गया, देखें इसका अच्छे से रंग आ गया है। हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करना। अब हम डालेंगे ये चिकन क्यूब जो हमने अच्छे से वो कर लिया था हवन दस्ते में। से ये होता है कि जल्दी से मेल्ट हो जाता है, तो ये हम इसमें डालेंगे। इसको जल्दी से वो कर लेंगे ताकि बना। और इसके बाद जो ये बंद गोभी हमने काट के रखी थी ये हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। इससे ये होगा कि आपका लहसुन और जो आपने क्यूब डाला है ये जलेगा नहीं और इसमें अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाएगा। तो इसको हम इसमें अच्छे से सौते कर लेते हैं और फिर बाकी चीज़ें इसमें डालना शुरू करेंगे। हम पहले सूखी चीज़ें डालेंगे, इससे ये होता है कि आपकी जो कैबेज है ना बहुत ज़्यादा पकानी नहीं होती आपको। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो हम जो लिक्विड चीज़ें हैं वो हम आखिर में डालते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें कुटी लाल मिर्च, आप जायके के हिसाब से डाल सकते हैं, मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। और पिसी काली मिर्च है ये 1 टीस्पून, ये पिसी काली मिर्च आप डालेंगे। अदरक पाउडर है 1/2 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, आप लहसुन पाउडर डालेंगे क्योंकि लहसुन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए आप 1 टीस्पून लहसुन पाउडर डालेंगे। दखनी मिर्च आप डालेंगे 1/2 टीस्पून, दखनी मिर्च आप डालेंगे। ये हमने सूखे मसाले इसमें डाल दिए हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी से इतनी लजीज खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसके बाद हम इसमें ये जो मैक्रोनीस हमने बॉईल करके रखे थे ये हम इसमें डाल देंगे और इसको मैं मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। हमने सब अच्छे से मिक्स कर लिया। आंच भी मैंने अब थोड़ी तेज़ कर दी है क्योंकि ये जो हमने सारे मसाले डाले हैं ये हमको इसमें फ्लेवर लाना है मैक्रोनीस में, तो मैंने आँच बढ़ा दी है। अब हम इसमें डालेंगे चिली सॉस। मैक्रोनीस मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस 2 टेबल स्पून, चिली सॉस डालेंगे 3 टेबल स्पून। चिली सॉस हम डालेंगे, मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप लोग स्पून से डाल सकते हैं। 3 टेबल स्पून चिली सॉस डाला, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इस स्टेप पे आके आपने आँच थोड़ी हल्की कर देनी है क्योंकि इसमें ये होता है कि कभी आपके मैक्रोनीस लगने लग जाते हैं। और फिर हमने ये मसाले भी अच्छे से मिक्स हो गए, तो आँच थोड़ी सी इस स्टेप पे आके अपने हल्के कर देनी है। अच्छा, अब रह गया है सिरका।
सिरका आपने सिर्फ 1 टेबलस्पून डालना है। सिरका हमने डाल दिया है और लास्ट में हमारे रह गया है ये चिकन जो हमने बॉईल करके रखी थी। अभी मैं इसमें ये हाफ डाल के देखती हूँ। लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, बहुत से लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत से लोग कम पसंद करते हैं, तो मैं अभी हाफ डाल के देख रही हूँ। अगर मुझे सही लगेगी तो मैं और नहीं डालूँगी। मतलब ये मैंने 1 पाव की अभी आधा पाव डाली है, मैं देखूँगी अगर मुझे पूरी सही लगेगी तो ठीक है, फिर मैं नहीं डालूँगी, थोड़ी सी और डालूँगी। मैं इसकी भी हाफ डाल रही हूँ, मैं ये सब नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रही है। तो समझें 1 पाव से मैंने ये वाली चिकन बचाई। तो ये हमारे चिकन तंदूरी मैक्रोनीस तैयार हैं। मैं अब आपको प्लेट में निकाल के देती हूँ जो कि बहुत ही लजीज बने। आखिर में एक चीज़ और रहेगी जो केचप डालते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं डालेगी, बहुत से लोग को नहीं पसंद होता और बहुत से लोग को पसंद होता है, तो आप ये बाद में भी डाल खा सकते हैं केचप। मैं मोस्टली केचप और मेयोनीज खाते वक्त डालती हूँ। तो चिकन मैक्रोनीस हमारे तैयार है, अब हम आपको प्लेट में रख के दिखाती हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने चीनी भी डाल ली है। जब ये तैयार हो जाए तो आखिर में आप 2 टेबलस्पून चीनी डाल लें या 1.5 टेबलस्पून डालूंगी। इसके के चाइनीज़ में अमूमन आखिर में या अपने खानों में चीनी ज़रूर डालते हैं। तो ये मैंने आपके सामने डाल दी है, ये बिल्कुल आखिर में डाल दें ताकि आप चेक कर लें कि सही डली है कि नहीं। तो ये 1.5 टीस्पून मैंने इसमें चीनी भी डाली है। रेसिपी को ट्राई करेगा, मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। चिकन तंदूरी मैक्रोनीस तैयार हैं। रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।